दोस्तों आज हम बात करेंगे 90 के दशक के एक ऐसे अदाकार के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग और शानदार कॉमेडी स्किल्स का जादू चलाकर अपनी हर फिल्म को रोचक बना दिया था और लोग उन्हें उस समय कॉमेडी किंग के नाम से भी जानते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डायलॉग्स राइटिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर कादर खान के बारे में। वैसे तो हमने अब इस फिल्म जगत के बेमिसाल सितारे को खो दिया है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए वह हमेशा ही हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। और दोस्तों हम में से लगभग सभी लोग उनके फिल्मी करियर से तो काफी प्रभावित हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टोरी भी ऐसी है कि वह किसी को भी मोटिवेट कर दे। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं भारतीय फिल्म जगत के नायाब हीरा कादर खान जी की पूरी लाइफ स्टोरी कि किस तरह से बहुत सारे परेशानियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्म जगत में अपना एक अलग ही नाम बनाया। तो दोस्तों कादर खान जी के सफर की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 1937 से, जब अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान था और माँ का नाम इकबाल बेगम। साथ ही इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके तीन और भी भाई थे, लेकिन उनके माता पिता में बढ़ते हुए झगड़ों की वजह से बहुत ही जल्द दोनों का तलाक हो गया और फिर उनकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी करा दी गई। और फिर शादी के बाद वह अपने नए परिवार के साथ मुंबई के पास स्थित कामाठीपुरा नाम के जगह पर आकर बस गई। और दोस्तों कादर खान का परिवार उस समय बहुत ही ज्यादा गरीब था और फिर अपने घर को सपोर्ट करने के लिए खान साहब ने भी बचपन में ही मजदूरी करने का सोचा। हालांकि यह बात जब उनकी माँ को पता लगी तब उन्होंने कादर खान को समझाया कि बेटा बाल मजदूरी से घर की गरीबी कभी भी दूर नहीं होगी, अगर तुम्हें सच में घर की आर्थिक हालत को सुधारना है तो तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी ही होगी। और फिर इन्हीं बातों को अपने मन में लिए कादर खान ने भी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने टाउन के ही एक म्यूनिसिपल स्कूल से की और फिर आगे चलकर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई की। और दोस्तों आपको बता दें कि उस समय के हिसाब से उनकी यह डिग्री काफी मायने रखती थी। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद 1970 से लेकर 1975 तक उन्होंने MH साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर के तौर पर जॉब भी की। हालांकि कादर खान शुरू से ही एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट रखते थे और इसीलिए उन्होंने एक बार ताश के पत्ते नाम के नाटक में कॉमेडियन के तौर पर अभिनय किया था। और फिर उनके शानदार एक्टिंग स्किल्स को देखकर वहां पर बैठे दिलीप कुमार जी ने अपनी अगली फिल्म में सगीना और बैराग के लिए उन्हें साइन कर लिया। हालांकि यूं तो उन्होंने पहले भी कुछ एक दो फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, लेकिन यह ऑफर उनके लिए थोड़ा बड़ा था। और दोस्तों बताया जाता है कि कादर खान उर्दू और मैथ्स के काफी अच्छे जानकार थे और उर्दू पर अच्छी पकड़ होने की वजह से उन्हें डायलॉग्स लिखने के भी ऑफर मिलने लगे थे। उन्होंने जवानी दीवानी नाम के नाटक से अपने स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत की थी और फिर यहीं से आगे चलकर कादर खान जी ने अपने पूरे करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय का छाप छोड़ा, साथ ही 250 फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे। हालांकि दोस्तों वैसे तो कादर खान शुरुआती समय में एक विलन का किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक घटना ने उन्हें विलन से कॉमेडियन बनने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एक दिन उनका बेटा सरफराज स्कूल से लड़ाई करके घर लौटा और फिर कादर खान ने जब लड़ाई का रीजन पूछा तब सरफराज ने जवाब दिया कि स्कूल में सब उसे विलन और बुरे आदमी का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। और फिर इसी घटना के बाद से कादर खान ने यह तय किया कि अब वह विलन के तौर पर काम नहीं करेंगे। और फिर 1983 की फिल्म हिम्मत वाला और 1985 की फिल्म आज का दौर से उन्होंने कॉमेडी की तरफ अपना रुख अपना लिया और फिर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दूल्हे राजा, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, अंखियों से गोली मारे, चलो इश्क लड़ाए और सुनो ससुर जी जैसे सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने अपनी लाजवाब कॉमेडी का तड़का लगाया। और फिर हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद से वह साउथ के नारायणा राव और के राघवेंद्र राव की तरह ही कई सारे फिल्म मेकर्स के लिए भी काम कर चुके हैं। वहीं अगर कादर खान के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अजरा खान से शादी की जिनसे कि उन्हें 3 बच्चे भी हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि कादर खान को अफगानिस्तान और भारत के अलावा कनाडा की भी नागरिकता प्राप्त है। हालांकि दोस्तों फिल्म जगत में अपना बहुमूल्य योगदान देने के बाद से 81 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि लीजेंड्स कभी भी मरते नहीं, वह तो हमेशा ही लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कादर खान की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।